1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से फैल रहा था। इन परिस्थितियों में तीन परिवार, बासु परिवार, मित्रो परिवार और सेन परिवार ने भूपेंद्रनाथ बसु के तहत 15 अगस्त 1889 को मोहन बगान एथलेटिक क्लब की स्थापना की। मोहन बगान न केवल एक फुटबॉल क्लब था बल्कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक कदम था। इतिहास 29 जुलाई 1911 को बनाया गया था, जब मोहन बगान ने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर आईएफएफ शील्ड जीता था, और वो भी बिना किसी बूट के सहारे। टूर्नामेंट का नाम इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम पर रखा गया था, जो बंगाल राज्य में फुटबॉल एसोसिएशन था। यह भारत में सबसे पुराना फुटबॉल एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन और टूर्नामेंट 1893 में अस्तित्व में आए। अपनी स्थापना के बाद के शुरुआती वर्षों के दौरान आईएफए शील्ड में ब्रिटिश सेना की टीमों का वर्चस्व था। साल 1900 में सूबेदार मेजर सेलेन बासु मोहन बगान के क्लब सेक्रेटरी बने। सेलेन बासु बंगाल रेजिमेंट में उच्च रैंकिंग वाले भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने सेना में होने वाली ट्रेनिंग को मोहन बगान के खिलाड़ियों के ऊपर प्रयोग किया, जिससे कि खिलाड़ी के फिजिकल फिटनेस में काफ़ी सुधार आया। मोहन बगान ने 1911 में अपने आईएफए शील्ड अभियान के दौरान पिरामिड यानी कि 2-3-5 फॉर्मेशन के साथ खेला था। 10 जुलाई 1911 फर्स्ट राउंड, मोहन बगान ने सेंट जेवियर्स को 3-0 से हराया। मोहन बगान की तरफ से विजयदास भादुरी ने 2 गोल और अभिलाष घोष ने 1 गोल किया था। 14 जुलाई 1911 मोहन बगान ने रेंजर्स को 2-1 से हराते हुए सेकेंड राउंड जीता। शिवदास भादुरी और विजयदास भादुरी दोनों ने 1-1 गोल दागे। 19 जुलाई 1911 तीसरा राउंड, मोहन बगान की तरफ से विजयदास भादुरी ने 1 गोल करके राइफल ब्रिगेड से जीत दिलवाया। 24 जुलाई 1911 सेमीफाइनल, मोहन बगान और मिडिल सिक्स के बीच 1-1 के साथ ड्रॉ हुई। उन दिनों टाई ब्रेकर नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण दूसरे ही दिन यानी कि 25 जुलाई 1911 सेमीफाइनल का रिप्ले खेला गया। इस बार मोहन बगान ने मिडिल सिक्स को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मोहन बगान की तरफ से शिवदास, कानू रॉय और हबुल सरकार ने गोल किया था। 29 जुलाई 1911 फाइनल का दिन आ गया। उस दिन सभी सड़कें एक ही स्थान की ओर जा रही थी, और वो थी कलकत्ता फुटबॉल ग्राउंड। बाहरी इलाकों से कोलकाता आने वाले लोगों की संख्या में इतनी बड़ी मात्रा थी कि ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी को कुछ विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करनी पड़ी। ग्राउंड में तो भीड़ था ही, इसके अलावा भी लोग अपने घर के छतों से तो कोई पेड़ के ऊपर से मैच देख रहे थे, और कुछ लोगों के लिए स्कोर के बारे में सूचना देने के लिए एक सरल तरीका निकाला गया। वो था पतंगों को क्लब के रंगों और उन पर लिखे गए अंकों के साथ उड़ाया जाना। हाफ टाइम तक स्कोरबोर्ड जैसे के तैसे ही था। सेकेंड हाफ खत्म होने के 15 मिनट पहले ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट ने 1 गोल से बढ़त बना ली। उसके तुरंत बाद मोहन बगान के कप्तान शिवदास भादुरी ने स्कोर बराबर कर लिया। कुछ देर बाद सेंटर फॉरवर्ड अभिलाष घोष ने विनिंग गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया, और मोहन बगान ने इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। मोहन बगान भारत की पहली टीम बनी जिसने आईएफए शील्ड जीता। ये जीत केवल एक सामान्य जीत नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचारों और उनसे आजादी के लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था। यही कारण है कि 29 जुलाई को मोहन बगान डे मनाया जाता है। तो ये थी भारत के उन 11 हीरोज की कहानी जिन्होंने फुटबॉल से अपनी लड़ाई की शुरुआत की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।